सबसे पहले यदि हम इस जॉब की बात करें तो यह जॉब इरिकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से सिविल और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई की जा रही है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 2 अगस्त 2021 को इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। फॉर्म फिलअप फीस की बात करें तो जर्नल और ओबीसी को इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 1000 रुपये पे करना होगा। एसटीएससी इस फॉर्म को फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप फीस पे करने के लिए आपको बैंक से डीडी बनवानी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस दे रखा है, इरिकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड न्यू दिल्ली के नाम से आपको डीडी बनवानी पड़ेगी। फॉर्म फिलअप प्रोसेस की बात करें तो ऑफलाइन प्रोसेस है, यानी कि इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन सेंड करना होगा। वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि आपको फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो सिविल इंजीनियर्स के लिए टोटल 20 पोस्ट है, यानी कि 20 सिविल इंजीनियर्स को जॉब मिलने वाली है। जर्नल की बात करें तो 9 पोस्ट, ओबीसी 5 पोस्ट, एससी के लिए 3 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 6 पोस्ट है, जर्नल के लिए 5 और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल में ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 60% होना चाहिए। यदि आपका 60% से कम है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप इस जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपका परसेंटेज अच्छा है, तो आप इस जॉब को जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि हम इस जॉब के लेवल की बात करें तो गवर्नमेंट में जितनी भी फैसिलिटी आपको मिलती है, सभी सुख सुविधाएं आपको इस जॉब में मिल जाएंगी। 1 ईयर एक्सपीरियंस की बात करें तो हाईवे, रेलवे, ब्रिज बिल्डिंग, यानी कि किसी भी फील्ड में यदि आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। यदि हम सैलरी की बात करें तो सैलरी भी बहुत अच्छी है। सैलरी आपकी 40,000 पर मंथ होगी और यह सैलरी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1,40,000 तक पहुंच जाएगी और सैलरी के साथ साथ आपको अलाउंसेस भी दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करने के बाद यही पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद इस जॉब से रिलेटेड आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहीं से पढ़ सकते हैं और इसी पेज में जब आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल को ज्वाइन करते हो तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी जॉब आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली नोटिफिकेशन डाउनलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। तो इस नोटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, यदि आप इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर एक नंबर दिया गया है या एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको इस नंबर की जरूरत होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि आपका शॉर्टलिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको रिटन एग्जाम या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्वालिफिकेशन परसेंटेज की बात करें, यदि आपका 80% के ऊपर है तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। यदि आपका 75-80 के बीच है तो आपको 35। इसी तरीके से पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, आप अपने परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ कॉलेज के रैंक के आधार पर भी आपको नंबर दिए जाएंगे। सभी कॉलेज की रैंकिंग NIRF पर मेंशन होती है। सो यदि आपके कॉलेज की रैंकिंग 1 to 20 है तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लंबी लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट के आधार पर आपका कॉलेज जिस रैंक पर आएगा आपको उतना नंबर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस के आधार पे आपको नंबर दिया जाएगा। यदि आपके पास 1 to 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 22 नंबर दिए जाएंगे। तो ये लिस्ट आप देख लीजिए, आपके पास जितने ईयर का एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। फॉर्म अप्लाई की बात करें तो ऑफलाइन प्रोसेस है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप इसी नोटिफिकेशन में थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म का A4 साइज पेपर पर प्रिंट आउट निकाल कर इसको आपको फिलअप करना है। तो इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आप नीचे देख सकते हैं कि एक फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म को सबसे पहले आपको फिलअप करना होगा। इस फॉर्म का आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे।
जैसे 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ। आप इन सभी का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको एक लिफाफा लेना है और लिफाफे में ये सभी डॉक्यूमेंट फिलअप कर देना है। एप्लीकेशन में आपका सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो जरूर से जरूर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन पर आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 07-2020 जरूर से जरूर होना चाहिए। और इसके साथ साथ इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फीस की डीडी भी इस फॉर्म में आपको सबमिट करनी होगी। तो सभी डॉक्यूमेंट को लिफाफे में रखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एड्रेस दिया गया है। इसी एड्रेस पर आप लिफाफे को सेंड कर देंगे। और यदि आपका लिफाफा 2 अगस्त तक इस एड्रेस पर पहुंच जाता है तो आपका फॉर्म फिलअप माना जाएगा। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई फुल इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं।